अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ चिकन अंगारा की रेसिपी, और ये बहुत ही इजी वे में आपके साथ में मैं शेयर करूँगी। तो स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपके साथ में ये रेसिपी शेयर करूँगी, और मैंने इसे बनाया है ज़्यादा क्वांटिटी में, तो अगर आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपनी रेसिपी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा उससे पहले। तो चलिए, यहाँ पर मैंने ले लिए हैं कुछ खड़े गर्म मसाले, जैसे कि है 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड्स, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 मेस लिया है मैंने, 6 से 8 सूखी मिर्ची ली है, और 5 हरी इलायची जो कि मैं इसमें अभी ऐड करूँगी। तो ये सारे खड़े गरम मसाले आपको ले लेने हैं और इसको रोस्ट कर लेना है अच्छी तरह से। ये देखिए, इस तरह से आपको इसको रोस्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं हरी इलायची भी ऐड कर दूँगी अब इसके अंदर। तो बस आपको इसको हल्की लो फ्लेम पर इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है, जब तक कि इसमें से एक अच्छी सी भीनी भीनी सी स्मेल आने लगे तब तक कि आपको इसको रोस्ट कर लेना है। और जब ये हल्के से क्रैकल होने लगेंगे, इनका थोड़ा कलर भी हल्का सा एकदम चेंज होता है, ज़्यादा नहीं करना है वरना ये जल सकते हैं, तो बस आपको इसको उसे निकाल लेना है और इसका फाइन पाउडर आपको बना लेना है जो कि हम बाद में यूज़ करेंगे। और फिर इसे रोस्ट करने के बाद में यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 20 से 25 काजू और 20 से 25 बादाम। आप चाहें तो सिर्फ काजू भी ले सकते हैं, क्वांटिटी बढ़ा लें या घटा लें आपके चिकन के हिसाब से। और बादाम भी मैंने यहाँ पर 20 से 25 लिए हैं, तो आप कोई भी एक चीज़ भी लेकर इसे बना सकते हैं। तो इन्हें भी हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। ये देखिए, इन्हें भी मैंने अच्छे से यहाँ पर रोस्ट कर लिया। अब इसका भी मैं एक फाइन पाउडर बनाकर रख दूँगी जो कि हम बाद में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 kg यानी कि 1.5 किलो चिकन, यहाँ पे इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, क्लीन कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट आपको इसके अंदर ऐड कर देना है। यहाँ पर मैंने चिकन ज़्यादा लिया इसलिए मैं इसके अंदर ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, अगर आपका चिकन कम है तो आप उस हिसाब से ऐड करें। अब ये जो रोस्ट किए थे हमने खड़े गरम मसाले, इनका मैंने फाइन पाउडर बना लिया है, वो मैंने ऐड कर दिया है। और ये जो हमने रोस्ट किए थे बादाम और काजू, इसका भी मैंने इस तरह से फाइन पाउडर बना लिया, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 kg टमाटो की प्यूरी बना ली है, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और फिर 1/2 kg इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही। तो दही भी यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर। अब इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर जो कि है 3 से 4 टीस्पून रेड चिली पाउडर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, और अगर आप चाहें तो आप कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं पसंद करते हैं तो आप कम डालें तो ये कम तीखा बनेगा। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी नमक, नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें इसके अंदर। तो नमक ऐड कर दिया है मैंने। अब यहाँ पर ऐड करूँगी मैं 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और फिर इसमें मैं ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो कि है तकरीबन 2 से 3 टीस्पून, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्वांटिटी का अंदाज़ा है तो मैंने यहाँ पर इसे ऐसे ही ऐड कर दिया है। आप चाहे तो आप इसे मेजर करके ऐड कर दें। अब यहाँ पर मैंने ऐड किया है रेडीमेड चिकन अंगारा मसाला, बट ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ही ऐड करें, बस इससे टेस्ट और थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 3 पैकेट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरा चिकन 1.5 किलो है, तो ये 1 पैकेट 1/2 kg में जाता है, तो ये मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ जो कि ऑप्शनल है, बट अगर आप ऐड करेंगे तो इससे कलर अच्छा आएगा, तो अगर आप चाहें तो ये भी ऐड कर दें। अब आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, हाथों की हेल्प से आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि जितना अच्छा मिक्स ये हाथ से होता है ना उतना अच्छा स्पून से नहीं होता है। वैसे अगर आपको कंफर्टेबल नहीं हो तो आप स्पून से भी इसे मिक्स कर सकते हो, बस आपको इसको अच्छे से मैरिनेट करना है और इसको रख देना है मैरिनेट करके आपको कम से कम 1 घंटे के लिए।
तो ये देखिए यहाँ पर हम इसे अच्छे से मैंने मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसे रख देंगे मैरिनेट करके थोड़ी देर, यानी एक घंटा कम से कम आप इसे ज़रूर रखें। तो यहाँ पर मैं अनियन फ्राई कर ले रही हूँ, तो हाफ के जी अनियन को मैंने चॉप कर लिया है इस तरह से, और एक पैन में ऑयल लेके मैंने इसे फ्राई कर लिया है। गोल्डन ब्राउन होने तक आपको इसको फ्राई कर लेना है, और जब ये फ्राई हो जाएंगी तो ये भी हमें ऐड कर देना है जो हमने चिकन मैरिनेट किया है उसके अंदर। बहुत ही आसानी वाला चिकन अंगारा मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी ये बनने वाला है। तो ये भी मैंने ऐड कर दिया है, साथ में जो ऑयल था वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ऑयल अगर आपको कम लगे तो हम इसके अंदर बाद में और ऑयल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर कैश्यू और एलमंड्स डाले हैं तो वो ऑयल को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है, तो ऑयल हम इसके अंदर बाद में थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। ऑयल मैंने लिया था कम से कम 5 से 6 टेबलस्पून, क्योंकि चिकन 1.5 किलो है इसलिए, और उसी में मैंने अनियन को फ्राई कर लिया था। और ये देखिए अब मैंने इसको रख दिया है मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसे कुक करेंगे कम से कम 20 से 25 मिनट या फिर जब तक कि आपका चिकन जो है वो अच्छे से गल नहीं जाता है। और बीच बीच में आपको इसको चलाते रहना है, वरना ये नीचे से जलने लगता है, क्योंकि इसके अंदर जो कैश्यू और आलमंड्स डले हैं तो वो नीचे से जलने लगते हैं, तो आपको बीच बीच में इसको चलाते रहना है। तो बीच बीच में आप इसको चलाते रहें, थोड़ी थोड़ी देर में आप इसको चलाते रहें, और ढककर जब तक कि चिकन आपका अच्छे से गल नहीं जाता है तब तक कि आप इसको कुक कर लें अच्छे से। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अभी इसे चेक किया है, तो हमारा चिकन अच्छे से गल चुका है। अब हम देंगे इसको चारकोल का एक स्मोकी फ्लेवर। तो मैंने यहाँ पर कोयले को अच्छे से गरम कर लिया और फिर इसको रख दिया है इस वेसल के अंदर, प्लेस कर दिया और इसमें तेल डाल के इसे अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर दे दिया है, और फिर इसे ढक कर आप रख दें जब तक कि इसका धुआं जो है पूरा कम्प्लीटली निकल ना जाए, और उसके बाद में आप इसको निकाल लें। ये देखिए अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे फ्रेश कोरिएंडर लीव्स 1 मुट्ठी के बराबर या जितना भी आप चाहें। तो बस बनके तैयार है हमारा ज़बरदस्त चिकन अंगारा रेसिपी। आप इसे सर्व करें रोटी, नान, पराठा या फिर बटर नान, कुलचा, किसी के भी साथ में आप इसे सर्व करें, बहुत ही यमी लगने वाला है। और प्लीज़ वीडियो आपको अगर पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट करिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। तब तक के लिए मिलती हूँ आपको नई वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ में। अल्लाह हाफिज़।